आप सब लोग कैसे हो? ग्रेट। आज हमारा बीच में एक बहुत सीनियर लीडर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उन्होंने अपना ताकत, अपना टैलेंट ऑलरेडी प्रूव कर चुका है। बहुत एक छोटा सा शुरुआत था, बहुत कम समय के अंदर अंदर एक मेंबर से लेके स्टार एजेंट बन गए, स्टार रूबी बन गए, बहुत ज्यादा आगे गया, ट्रिपल डायमंड का पोजीशन में पहुंच गया। हमारा लीडर नेपाल से है, मिस्टर सरोज कुमार नटुआ। इज अ वेरी पैशनेट लीडर। वो कतर में अपना टीम डेवलप किया है, कतर से अभी पिछले कुछ समय तक अभी अपना नेपाल में है, रसिजुलिंगम कमार है। अपना मुंह से अपना खुद का एक्सपीरियंस और डीएक्सएन लाइफ जर्नी क्या है आपको आज बताएंगे। मैं आप सब लोगों का परमिशन से, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को आज का प्रोग्राम वेबिनार में मैं आपको स्वागत करता हूं, क्योंकि अगर आज आपने सही से ये प्रोग्राम सुन गए, अपना लाइफ में ये जो आइडियाज अगर अमल करने के लिए तैयार है, आपका लाइफ भी चेंज हो सकता है। मिस्टर सरोज कुमार नटुआ का लाइफ चेंज किया वैसे। तो मैं बुलाना चाहता हूं और ग्रेट लीडर, ट्रिपल डायमंड, मिस्टर सरोज कुमार नटुआ। मिस्टर सरोज जी, प्लीज। थैंक यू सो मच रोहन जी, जो कि आपने मिडिस्ट के बहुत ही अच्छा पावर दे रहे हैं, और आपका पहला प्रोग्राम हमने सुन के खुद जो वहां से एक डिसीजन लिया था डायमंड बनने का, तो बहुत बहुत थैंक्स करता हूं आपको उस प्रोग्राम से। और थैंक यू सो मच मिडिस्ट मैनेजमेंट, जो कि इतना काफी हम लोगों को सपोर्ट कर रहा, तो हमको बहुत ही प्राउड फील हो रहा कि आज मिडिस्ट हम लोगों को इतना अच्छा से सपोर्ट दे रहा है। और आज का जो हमारा प्रेजेंटेशन होगा, तो सो ये जो प्रेजेंटेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, तो आप सब अगर जो शुरू से लेके अंतिम तक बने रहेंगे, तो हमको लगता है एक घंटा का प्रेजेंटेशन है, तो एक घंटा में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आई थिंक बहुत कुछ सीख सकते हैं। और वास्तव में आज का जो हमारा इस डिक्शन में यात्रा था, मैं कैसे सफल बना और क्या क्या हमने किया, और आज तक हमारे पास डिक्शन से क्या क्या है, ये सारा चीज आपको हम दिखाने वाले। तो ये सारा चीज आज मिला सब डिक्शन की वजह से। तो मैं थैंक्स करता हूँ डॉक्टर रिम को, जो आज ऐसे सिस्टम बनाए और आज हमारे स्पॉन्सर लगाए, जो हमारे मेंटर हैं, सभी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और कतर मैनेजमेंट, जो हम कतर से अपने बिजनेस को बिल्ड किया, तो हमको वहां से भी काफी कुछ सपोर्ट, बहुत सारा सपोर्ट मिला, तो कतर मैनेजमेंट को भी हम बहुत थैंक्स करते हैं, और अभी तक भी हमको सपोर्ट मिलते आ रहा है कतर से भी। तो थैंक यू सो मच सभी लोगों को। और आज का जो मेरा प्रेजेंटेशन है, हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। तो मैं सरोज कुमार, यहाँ पे ऑलरेडी आप स्क्रीन पे मेरा नाम देखते होंगे आप, मैं सरोज कुमार फ्रॉम कबीर वस्तु नेपाल से। और आज देखा जाए तो डीएक्शन का जो मेरा यात्रा है, 6 साल हो चुका है, और 6 साल में आज मैं 3 साल से जॉब को क्विट करके फुल टाइम डीएक्शन को कर रहा हूँ। और आज 3 साल से मैं जो है हर साल टीएसआईपी क्वालिफाई कर रहा हूँ हर साल। अभी तीसरा साल ये हो गया मेरा टीएसआईपी, 1 साल तो लॉकडाउन बीत गया, दूसरा साल भी क्वालिफाई, नेक्स्ट ईयर भी हम क्वालिफाई हो जाएंगे हर साल। तो आज ये सारा चीज जो है हम आपको इस प्रेजेंटेशन के जरिए, हम उसमें से अब 6 साल का एक्सपीरियंस तो एक ही घंटा में सब कुछ तो शेयर नहीं कर सकते, बट कुछ चीज जो है, कुछ ऐसा चीज है जो हम आपको इम्पोर्टेंट हम आपको शेयर कर सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं। तो जब आप इस प्रोग्राम में अंतिम तक बने रहेंगे, तो ये सारा चीज जान सकते हैं। तो ये नहीं, मतलब इससे क्या होता कि अगर सरोज कुमार नटुआ डिक्शन में आया और डिक्शन के जरिए अगर इसके जीवन में इस तरीके से परिवर्तन आ सकता है, तो आपको वहां से एक प्रेरणा मिल सकता है कि मेरे जीवन में भी ये बदलाव आ सकता है, तो ये आपको मिल सकता है। इसकी वजह से आप कंटिन्यू इस प्रोग्राम पे बने रहें, तो आपको जरूर ये सारा चीज देखने को मिलेगा। तो सो हम जो है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है, तो थैंक यू भवन सर, जो बहुत ही बढ़िया आज हर किसी को एक नए नए लीडर लेके आके और प्रोग्राम ट्रेनिंग मैनेज करते हैं। इतना सारा मेहनत लॉकडाउन में भी किया, हर दिन प्रोग्राम होता रहता है, तो ये सब हमारा डीएक्शन फैमिली के लिए होता है। तो उनको सल्यूट करता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और आज मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हमारे स्पॉन्सर हैं और हमारे मेंटर भी हैं, जिनकी वजह से हमने डीएक्शन को सीखा और डीएक्शन पाया, तो उनको हमेशा मैं सल्यूट करते रहता हूँ। और आज जो है ये इसलिए शुरू करता हूँ कि आज उनके जरिए अगर आज हमको डीएक्शन मिला, मैं डीएक्शन में सफल हूँ, तो आज उनके ही वजह से आज हमको डीएक्शन मिला। तो आज का जो मेरा टॉपिक्स है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक्स पे बात करने वाला हूँ। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ। ये अब देखो,
आप खुद से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो क्या होता है, व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, आपका जीवन में आप क्या करना चाहते हो, ये सारा चीज मायने रखता है। देखो कहा गया है कि जिंदगी में आप धरती का बोझ बन के मरना चाहते हो कि कुछ करके मरना चाहते हो, ये सोचो, ये आपके ऊपर ये डिसाइड करता है। तो इंसान क्या होता है, इंसान जितना बड़ा सोच सकता है उतना बड़ा बन सकता है। और ये देखा जाए तो आज मैं अगर आपको बात करने वाला हूं तो मेरा स्टोरी के ऊपर, क्योंकि मैंने डिक्शन में आने के बाद मैंने क्या सोचा। वैसे तो देखो इसमें प्रोडक्ट का टॉपिक्स नहीं है कि हम हेल्थ के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि देखो हेल्थ के ऊपर काफी डेली बात होता रहता है, प्रोडक्ट के ऊपर बात होता रहता है। अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में सीखना है तो बहुत सारा हमारा यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो हैं, हम देख सकते हैं, और बहुत सारे बुक हैं, हम पढ़ सकते हैं। और ऑलरेडी जो भी प्रोग्राम में जुड़ेंगे इतना टाइम पे, तो अक्सर वो सब डीएक्शन का मेंबर और लीडर से ही जुड़ सकते हैं इतने टाइम में। तो काफी सब लोग इसमें पुराने ही लोग ज्यादातर लोग जुड़ते होंगे ये आई थिंक। तो ये सारा चीज है, हमको लगा कि प्रोडक्ट के ऊपर बात करने से बढ़िया लोगों को एक सफल कैसे बनना चाहिए, मैं सफल बना हूँ किस तरीके से, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, ताकि ये चीज मैं लोगों के साथ अगर शेयर कर सकता हूँ तो वहां से कुछ ना कुछ आइडिया लोगों को मिल सकता है और आगे बढ़ने के लिए मदद हो सकता है। तो ये नहीं कि मैं कोई टीचर हूँ और आज आपको मैं सिखाने के लिए आया हूँ, ऐसा कोई बात नहीं। मैंने डिएक्शन से पाया हमको क्या मिला, लोग बोलते क्या मिलता है डिएक्शन में, तो जो मिला वही चीज मैं शेयरिंग के लिए आया हूँ, ताकि इस शेयरिंग से आपको पता चले कि कैसे कैसे लोग इस कंपनी के अंदर सफल होते जा रहे हैं। ये तो इससे आपको एक प्रेरणा मिलेगा, आपको सपोर्ट होगा काम करके आगे बढ़ने के लिए, लोगों को उदाहरण दे सकते हो। तो ये सारा चीज होता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि अब ये मायने कि आप क्या करना चाहते हो, हाउ डू यू वॉन्ट इन योर लाइफ, अब आप जो है क्या चाहते हो, ये सारा चीज। तो आइए हम आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा होता है तो इंसान दो प्रकार का जिंदगी जीता है। इंसान क्या करता है, दो प्रकार का जिंदगी जीता है, एक होता है वांट और दूसरा होता है नीड। वांट मींस क्या होता है, चाहना अनुसार का जिंदगी जीता है, और नीड मींस होता है जरूरत अनुसार का जिंदगी जीना। तो माय डियर फ्रेंड्स और जितने भी लीडर्स हैं, मैं आपको यही शेयर करना चाहता हूँ। देखो जब मैं 2014 25 अप्रैल को मैंने डिक्शन शुरू किया था तो मेरे पास कुछ नहीं था, और वास्तव में मैं चाहना अनुसार नहीं, जरूरत के लिए। देखो होता ना लोगों का जरूरत, पैसा कमाना जरूरत है, सोना जरूरत है, कपड़ा लगाना जरूरत है, खाना जरूरत है। तो ये जो जरूरत के लिए हम कुछ पैसे हमारे पास आ रहे थे उस टाइम 6 साल पहले, और हमारा जरूरत भी ठीक से पूरा नहीं होता था। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि डिएक्शन के वजह से हम आज जरूरत नहीं चाहना अनुसार जिंदगी जी रहे हैं। तो ये सब जो है डिएक्शन के जरिए, डिएक्शन की वजह से कि आज हम इस लेवल तक पहुंच पाए, और यही सारा चीज के ऊपर आपके साथ हम बात करने वाले हैं। तो आप सब जो है अंतिम तक रहोगे तो ये सारा चीज आप सीख सकते हो। तो ये चीज क्या होता है कि आज देखा जाए, अगर जो जरूरत का हिसाब देखा जाए तो ये देखो, ये एक फोटो में तस्वीर दिखा रहा हूँ। देखो खाना हर किसी को जरूरत है, सोना हर किसी को जरूरत है, खाना सोना हर किसी का जरूरत है। और दूसरा चीज क्या होता है कि आज एक छोटे से घर में लोग सोते हैं, नींद तो पूरा करना है ना, नींद तो पूरा करना, जैसे भी घर होना चाहिए नींद पूरा होना चाहिए। तो कल हमारा सिचुएशन ये था कि घर जैसे भी होना चाहिए, घर जैसे भी होना चाहिए, नींद पूरा होना चाहिए। तो ये सारा चीज होना चाहिए हम लोगों को। तो ये एक सिचुएशन था, एक सिचुएशन ये था कि कल हमको सोना है, बस नींद सुबह हो जाए, सुबह होना है, ये सिचुएशन था, मतलब नींद को पूरा करना था। तो एक छोटा सा घर था जो जरूरत के अनुसार, मतलब सोना ही था, खाली नींद ही पूरा करना था। खाने के लिए खाना तो जरूरत है, अब वो जरूरत के लिए हम खाना खा, मतलब खाना तो जरूरत है, तो जैसा भी खाना मिले वैसा खाना खाना पड़ता था, क्योंकि हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं था कि हम एक स्टैंडर्ड घर बनाए, और एक स्टैंडर्ड हमारे पास सोने का सब कुछ होना चाहिए, खाने के लिए सब कुछ होना चाहिए। ये सब हमारे पास सिचुएशन ऐसा नहीं था, हमारे पास ऐसा कैपेसिटी नहीं था। तो ये सब क्या था, एक बाध्यता बस। तो हम क्या करते, एक एक दिन कट रहा था, क्या था, नीड, जरूरत अनुसार मेरा जिंदगी एक एक दिन बीत रहा था। और सोचो वही जरूरत, फैमिली का जरूरत पूरा करने के लिए मैं नेपाल से कतार गया था, और जब मैं नेपाल से कतार गया तो मेरा सैलरी सिर्फ कितना था, 700 रियाल था। तो मैं कंपनी को सलूट करता हूँ कि आज मैं कंपनी में जाके डिएक्शन मिला, फिर भी हम कंपनी को धन्यवाद देते हैं, कम से कम अगर डिएक्शन मिला तो ये कतार जाना, मेरा थोड़ा सा रोग लगना, ये सब कुछ
डिसीजन पाने के लिए ये था, तो फिर भी जो होता अच्छे के लिए होता है, तो ये सब फिर भी हमको बहुत ही खुशी लगता है कि जो भी होता है ये अच्छे के लिए होता है। तो शुरू में ऐसा लगा था, सोचो, तो आज सोचो इस तरीके से जिंदगी जी रहा था, एक घर भी अच्छा नहीं था, सब कुछ था, मतलब अच्छा से साइकिल नहीं था, कुछ भी नहीं था, खाने को भी अच्छा से नहीं था, सोने को भी अच्छा से नहीं था, कुछ भी नहीं था मेरे जीवन में। लेकिन आज देखा जाए कि डिक्शन के जरिए अगर आज देखा जाए, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये मेरा पिक्चर दिख रहे हो, ये मेरा अपना कार है। तो कल एक साइकिल में, पांच पंचर में, हर ट्रेनिंग में ये एक स्टोरी सुनाता हूँ, और मैं कोई किताब का स्टोरी नहीं लेके आया, ये मेरा खुद का स्टोरी है, मेरा लाइफ का स्टोरी है। जो मैं स्कूल जाता था तो एक साइकिल में पांच पंचर बनाता था। अब वो पंचर, वो बोलता था ट्यूब काम नहीं करने वाला, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं बोला आप बना दो, आप कैसे बोलूं, पैसा नहीं कि उसको, पैसा नहीं आप रहने दो, बोल तो नहीं सकता, इसलिए मजबूरी, आप पंचर बनाओ, चले ना चले हम देखेंगे, बाद में चेंज करेंगे, ऐसा करके वो सिचुएशन हुआ करता था। सोचो एक अच्छा साइकिल भी नहीं हो करता जीवन में, लेकिन सोचो जिंदगी कट रहा था, जरूरत था एक साइकिल, तो बहुत मुश्किल था वो पुराना साइकिल, बट आज देखो डिक्शन में हमने सिर्फ सिर्फ कितना साल अच्छा से काम किया, सिर्फ 3 साल अच्छा से काम करके आज 3 साल वो एंजॉय कर रहा हूँ। आज देखो एक अच्छा घर भी है मेरे पास और अच्छा गाड़ी भी है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आज देखो आपके पास घर भी होगा, ओके ठीक है, गाड़ी होगा, लेकिन कंफर्ट जोन में नहीं, उससे भी बेहतर और कर सकते हो ना, उससे भी बड़ा बढ़िया आपका चाहना होगा और वो भी पूरा कर सकते हो ना। तो डिएक्शन वो एक माध्यम बन सकता है आपका जीवन में, कि आप यहाँ पे आज जो जिंदगी काट रहे हो, जिंदगी जरूरत अनुसार को जी रहे हो, वो आप चाहना अनुसार में जी सकते हो, और आज आपके पास बहुत कुछ है भी, तो उससे और भी बढ़िया कर सकते हो। तो ये चीज आपको डिएक्शन में आपको मिलता है, क्योंकि ये हमने पाया। तो ये मैंने ये नहीं कि आपको ऐसे सिखा रहा हूं, ये हमने डिएक्शन से पाया और ये रियल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने 6 साल के अंदर ये सारा चीज अचीव किया और वही चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हो। तो कल ये सारा चीज था और आज हम इस स्लाइड में दिखाते जाएंगे। तो कुछ लोगों को आज हम कुछ भी डिएक्शन बताएं तो उनको आज हम ट्रेनिंग दें, प्रेजेंटेशन करें, हम उनको फोन से बताएं तो उनको कोई पल्ले नहीं पड़ता है। तो कुछ लोगों का जो फिक्स माइंड सेट होता है ना, फिक्स माइंड सेट का मतलब होता है इंसान का छोटी सोच पांव की मोच आगे बढ़ने नहीं देते। क्या मतलब ये होता है, इंसान का छोटी सोच पांव की मोच आगे बढ़ने नहीं देती। इसका मतलब ये होता है कि देखो लोगों का जो एक हाथी का कहानी होता है ना, हाथी एक जंजीर में, पहले बचपन में एक हाथी होती है और उस हाथी को जंजीर में बांध दिया जाता है। क्या होता है, जंजीर में बांध दिया जाता है, और जब वो जंजीर में वो ट्राई करती है, हाथी जो है बच्चा, हाथी का बच्चा जंजीर को तोड़ नहीं सकती। क्या करती है, जंजीर को तोड़ नहीं सकती है। बाद में क्या होता है, धीरे धीरे हाथी का बच्चा बड़ा होता है, बाद में एक छोटा सा खंभा में एक रस्सी से उसको बांध दिया जाता है। बांधने के बाद क्या होता है, उसको ट्राई नहीं, अब उसको हाथी को ये लगता है कि ये कभी टूटने वाला नहीं, और वो उसको ऐसा लगता है, उसका माइंड सेट जो है फिक्स हो जाता है, अब ये टूटने वाला नहीं है। लेकिन हाथी को खुद नहीं पता है कि हाथी के पास बहुत पावर है, वो तो चाहे पेड़ को भी उखाड़ के फेंक सकती है, बट वो रस्सी क्या चीज है, बट बचपन में एक जंजीर नहीं तोड़ पाई, इसकी वजह से उसका माइंड सेट फिक्स हो चुका है। तो कुछ लोगों को क्या होता है, आप कौन किस समाज में है, किस समाज में है, आपका फैमिली का कल्चर क्या, आप किस गांव से हैं, वहां का कल्चर से मतलब कोई ज्यादा पढ़ाई नहीं किया, कोई ज्यादा सक्सेसफुल आदमी नहीं है, ऐसे लोगों के संगत में रह के आपका माइंडसेट फिक्स हो जाता है। कुछ लोग जो है एक गांव में पूरा आदमी जॉब करके 20,000 25,000 कमाते हैं, तो लोगों का सिर्फ माइंडसेट क्या होता है, सिर्फ बस यही 20 30 हजार, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है, और कोई कुछ भी बताए उनको पलने नहीं पड़ता, तो उनका क्या होता है, माइंडसेट जो है फिक्स हो जाता है कि इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि एक इंसान अगर जो 15 20 साल जो है, मान के चलो हमारे अगर नेपाल का सिचुएशन का बात किया जाए, बाहर का कंट्री का नहीं, तो वो 20 साल अगर पढ़ाई करता कंप्लीट, एक टीचर बनने के बाद 20,000 मुश्किल से मिलता है, तो उसको ये लगता है कि मैं इतना मेहनत करके, इतना स्ट्रगल करके इस लेवल पे पहुंचा हूं और इससे ज्यादा कुछ नहीं, उसका माइंडसेट। अब उसको हम कुछ भी शेयर करें तो उसको पल्ले नहीं पड़ने वाला है। तो ये सारा चीज क्या होता है, ये हमको मतलब सभी लोगों को प्रॉब्लम क्या होता है, माइंडसेट हो जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ लोग आज अगर इस मीटिंग में सुन रहे हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में हम कुछ नहीं कर सकते, आज मैं एक जॉब में हूँ, बस इतना ही सिर्फ होने वाला है, इससे बड़ा कुछ नहीं होने वाला, आज जो मेरा सैलरी है इतना ही में सब कुछ होने वाला है, अगर आप ये सारा चीज सोचते हो तो मतलब ये सब रॉन्ग है। आपके अंदर बहुत पावर है,
मैं आपको बताता हूँ, आपके अंदर बहुत ही पावर है और गारंटी, आप सब बहुत कुछ कर सकते हो अपने जीवन में, बहुत सारा चेंजेस ला सकते हो, आप टैलेंट हो, परफेक्ट हो, सब कुछ कर सकते हो, सिर्फ आपका ग्रोथ माइंडसेट करना होना चाहिए। आप ये सोचो कि आप सिर्फ ये देखो कि आज मेरे से अच्छा इसका लाइफ है, मेरे से अच्छा किसका लाइफ है, और ये सारा चीज आप देख सकते हो। और दूसरा चीज, अगर आप डिक्शन में हो, डिक्शन में देख सकते हो, सरोज कुमार नटुआ एक लेबर में जाके माल, आप कतार, आपने अगर मार्केट देखा का कतार से काफी लोग जुड़े होंगे, तो मैं वहां पे माल आप कतार के अंदर मैंने जितना सारा पार्किंग बना, सारा खड्डा मैंने खोदा। लेकिन आप सोचो 700 रियाल, तो मैंने कभी नहीं सोचा कि बस मेरा औकात, मेरा वैल्यू सिर्फ 700 रियाल का है। मैंने ये नहीं सोचा, मैंने ये सोचा कि हमको अवसर नहीं मिला था, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था कि जो मैं जिंदगी में कुछ कर सकूं। लेकिन मेरा से पहले, मेरा जो पहले से सोच बड़ा था, सपना था कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, लेकिन हमको कोई रास्ता नहीं मिला था। तो मेरा माइंडसेट जो है, मेरा माइंडसेट जो है ग्रोथ था, अलग था, कुछ बड़ा सोच था, जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला था। तो जब हमको डिरेक्शन मिला, तो हमने समझने का कोशिश किया। माय डियर फ्रेंड्स, आपको डिरेक्शन मिला, आप बहुत लकी पर्सन हो जो आपको मिला, बहुत लोगों को नहीं मिला, बहुत लोगों को बताते हैं फिर भी बोलते हम लोग को नहीं चाहिए, लेकिन आप लकी जो आपको पास डिरेक्शन मिला है। तो आप यहाँ पे जो सोच सकते वो कर सकते। तो कल एक लेबर इंसान 700 कमा के और आज एक बिजनेसमैन बन सकता है, इंटरनेशनल बिजनेसमैन बन सकता है, आज मेरा लाइफ स्टाइल डिरेक्शन से चेंज हो सकता है। तो ये सारा चीज जो है सिर्फ डिरेक्शन से। अगर मैंने सोचा होता कि अब मैं 9 क्लास पढ़ने वाला आदमी, एक गरीब फैमिली से हूँ, 700 रियाल कमाता हूँ, घर में पठाऊं या घर में पैसा सेंड करूँ माँ बाप के लिए कि मैं डिरेक्शन का प्रोडक्ट यूज करके बिजनेस करूँ, मेरा, मैं तो बिजनेस में नहीं बन सकता, मेरे पास पैसा नहीं है, जिंदगी अच्छा नहीं हो सकता है। तो अगर मैं ऐसा सोचा होता तो आज बताओ मेरा लाइफ में सब कुछ मिलता नहीं। तो माइंडसेट ग्रोथ करना है, ये सोच के कि आज ये जो आपके पास है सिर्फ आपका वैल्यू उतना ही नहीं है, आपका वैल्यू और बड़ा बना सकते हो। आप जो आज जो सैलरी मिलता है, जो आप काम करते हो या बिजनेस करते हो, कोई बिजनेसमैन होगा, कोई सरकारी जॉब में होगा, इंडिया नेपाल कहीं से भी होगा, कोई गल्फ के अंदर होगा, तो आप ये सोचो आप जिस जगह में हो ठीक है, बट उतना ही नहीं, आपका और पावर, आप और कुछ कर सकते हो। बट क्या होता, लोग ट्राई नहीं करते, लोग क्या करते हैं, ट्राई नहीं करते हैं। ये सिर्फ हाथी का जैसे वो जंजीर, ऐसे ही माइंडसेट हो जाता है। तो जैसे हनुमान जी का, अगर रामायण आपने देखा है, तो हनुमान जी जो थे उनका पावर उनको खुद पता नहीं था, उनका भी माइंडसेट फिक्स हो गया था। लेकिन जब लक्ष्मण जी को मतलब बाढ़ लगा और लास्ट में पता चला कि मतलब संजीवनी बूटी लाना पड़ेगा, और वो संजीवनी बूटी बहुत दूर मिलता है, बहुत दूर पे हिमालय पर्वत पे मिलता है, तो जो मतलब जामंत्र थे उनको पता था, और हनुमान जी को श्राप भी मिला था कि अगर इनको कोई याद दिलाएगा तो उनको पावर पता। तो जामंत्र ने उनको उनका पावर को एहसास कराया और उनको पता चला, बाद में उड़के समुद्र को जाके पूरा पहाड़ उठे उठा के लेके आए। माय डियर फ्रेंड्स, आपके अंदर वो पावर है कि आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, वो पावर है। तो ये जो माइंडसेट वाला जो है, आप ये थोड़ा सा निकल के देखो, थोड़ा सा कुछ सोच के देखो, कुछ ट्राई करके देखो, कुछ कोशिश करके देखो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपको पूरा भरोसा है कि आप सब कुछ कर सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो। अगर आज मैं त्रिबल डायमंड बना हूँ डिएक्शन के जरिए, आज मैं इंटरनेशनल टूर करता हूँ डिएक्शन के जरिए, तो सोचो आप गारंटी कर सकते हो। लेकिन आपका जो सोच है, आज आपका जो सोच है, माइंड सेट, आप जिस जगह पे हो, ये थोड़ा सा चेंजेस लाना पड़ेगा। तो बोलोगे स्मॉल चेंज मेक बिग डिफरेंस, थोड़ा सा चेंजेस, मैंने थोड़ा सा चेंजेस लेके आया, और थोड़ा सा चेंजेस लेने के बाद आज देखो मेरा लाइफ में कितना बड़ा पड़े। तो बोला क्या है, अगर लोगों से अलग बनना है तो अलग सोचना होगा और अलग काम करना होगा, और फिर आपका अलग लाइफ बन जाएगा। तो आप जिस जगह पे हो कोई मायने नहीं रखता, आप बिजनेसमैन हो, आप जॉब में हो, आप फिर भी डिरेक्शन में आप काम करके आगे बढ़ सकते हो। ये सबसे बड़ी बात है कि आप फिर भी डिरेक्शन में काम करके आगे बढ़ सकते हो, ये सारा चीज होता है। तो आपको अलग सोचना है, अलग करना है, और आज डिरेक्शन एक अलग जगह है जहां पे आप अलग कर सकते हो। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आपके पास पावर है, मैं इतना ही सिर्फ बताना चाहता हूँ कि आपके पास पावर है, आप आगे बढ़ सकते हो, श्योर आगे बढ़ सकते हो। फर्क ये है कि आप कोशिश करके नहीं देखते,
वास्तव में कोशिश करके आपका जो माइंड सेट है एक ही जगह में, आप इससे ज्यादा कुछ नहीं होने। मैंने बहुत मेहनत करके आज एक जॉब मिला, बहुत मेहनत करके मैं कतार में आया, कितना मुश्किल से कर्जा लेके कतार में आया। मैं भी कर्जा लेके गया था लेकिन मेरा सोच कुछ और था जिसकी वजह से मैंने बना। तो सोचो, ग्रोथ माइंड सेट करना हमेशा आपका दिमाग में लाना है कि हमको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, ग्रोथ करना है, ग्रोथ करना है, रास्ता मिलना चाहिए, रास्ता मिलना चाहिए, ये सारा चीज आपको होना चाहिए। और डिरेक्शन आपका एक रास्ता मिल चुका है, आप सब लक्की है। मैं यही बोल रहा हूँ कि आप लक्की हो कि जो आपको डिरेक्शन मिला है। तो अब इस जगह से डिरेक्शन को एक माध्यम बनाइए और आपके जीवन में क्या नहीं है, आपका जीवन में जो बड़ा घर बनाने का सपना है, या आपके पास घर है, दो तीन घर और बनाना है, बढ़िया सा एक बिल्डिंग बनाना है, या बहुत सारा जगह में जमीन लेना है, या बहुत सारा जो लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाना है, मतलब आपके पास संपत्ति है उससे और भी बेहतर संपत्ति करना है। ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, और ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, लेकिन डिरेक्शन वो माध्यम है कि पूरी दुनिया के अंदर आज काफी लोगों का सपना पूरा हो रहा है। यहाँ पे माइंडसेट को ग्रोथ करके वो जितना सोचे और काम करते गए वो पूरा होता है। मैं आपको भरोसा देता हूँ, आप भी लगातार डिरेक्शन में 2-3 साल मेहनत कर दो, जो आज आपके पास नहीं है उसे कई गुना बेहतर आपका जीवन में बदलाव आ सकता है। सिर्फ एक बार कोशिश करके देखो, आप एक बार 2-3 साल कंटिन्यू मेहनत करके देखो, अगर 1 साल 2 साल 3 साल काम करने से, डिरेक्शन में सीखने से, मेहनत करने में अगर जिंदगी बदलता है, सपना पूरा होता है, तो तकलीफ क्या 2-3 साल करने में, नहीं करोगे तो भी टाइम बीतता है। इसलिए जो आपका शक्ति को पहचानो, और हमको पता है आपके पास पावर है, क्योंकि मैं भी कुछ नहीं था बट हमने अपने पावर को पहचाना और आज इसके वजह से मैं डिक्शन के अंदर कामयाब हूँ। ये सारा चीज है, आप देख सकते हो बराक ओबामा। अब आप सोचो ये इंसान कौन सा इंसान था, एक अफ्रीका का, इसका पिताजी अफ्रीका में पहले बकरियां चराया करते थे, बताओ जिसका बाप बकरियां चराया करता था, आज वो कभी भी जीवन में सोच सकता था कि मैं वो भी अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता हूँ, नहीं। लेकिन सोचो अब वो फिर मतलब सोचो, एक दूसरा देश का आदमी और दूसरा देश में जाके राष्ट्रपति बनना, ये बहुत चैलेंजेस का बात है, बहुत मुश्किल की बात है। लेकिन सोचो ग्रोथ माइंडसेट क्या था, ग्रोथ माइंडसेट। इम्पॉसिबल दुनिया में कुछ भी नहीं है, ऐसे ऐसे लोग जो है आज दुनिया में प्रूव किया। तो यहां से हम सीख सकते हैं कि दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम हर ट्रेनिंग में ये बोलते हैं, हर ट्रेनिंग में यही बोलता हूँ, बिलीव इन योर सेल्फ, एनीथिंग इज पॉसिबल। आप खुद पे भरोसा करो ना, दुनिया का हर चीज आप पा सकते हो। तो वो एक फिल्म में डायलॉग है, शाहरुख खान का फिल्म में एक डायलॉग है, अगर आप किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको मिलाने में लग जाती है, लेकिन दिल से चाहो। तो उनका माइंडसेट था, ठीक है, वो कंफर्ट जोन में रहना, मतलब उसका जो, अगर वो उन्होंने फेल भी हुआ उसके बावजूद भी ट्राई किया, और आज देखो मतलब कितना पावरफुल है, अमेरिका का 44वां राष्ट्रपति बने, और 44वें में बहुत ही पावरफुल राष्ट्रपति रहे, और दो उन्होंने मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों मतलब बार जीत के, और उन्होंने राष्ट्रपति थे, और उन्होंने अपने पूरे दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन किया, पूरी दुनिया के अंदर। तो ये यहाँ से हम सीख सकते हैं। तो इनके बारे में ज्यादा अगर व्याख्या करो तो बहुत ही टाइम जाएगा, तो सिर्फ इतना ही सीखना है कि ऐसे ऐसे कैटेगरी से लोग आज किस लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो इससे यही सीखना है कि कुछ भी पॉसिबल नहीं, मतलब इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। तो ये उन्होंने भी अपने पावर को पहचाना था और अपने माइंडसेट को ग्रोथ किया था। तो सिर्फ दिमाग में एक ही चीज सोचना है, जिंदगी में ग्रोथ ही सोचना है। अगर हमारे लाइफ में सिर्फ ग्रोथ के बारे में सोचना, ग्रोथ के बारे में कैसे हम अपने जिंदगी को ग्रोथ कर सकता हूँ, अपना समाज में, अपने सोसाइटी में हम ग्रोथ करके दिखाएं, सिर्फ एक ही चीज। देखो वैसे तो मैं आज एक ही चीज के बारे में ज्यादा बात कर रहा हूँ कि कैसे हम ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे, सिर्फ ग्रोथ के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर। अगर आप डिरेक्शन बिजनेस में हो तो आपका बिजनेस कैसे ग्रोथ होना चाहिए, तो यहाँ से आपको सीखना। अगर ये लोग अपने जीवन में इस तरीके से ग्रोथ ला सकते हैं तो डिरेक्शन के अंदर आप भी ग्रोथ ला सकते हो। अगर आप स्टार एजेंट हो, डायमंड बन सकते हो, क्राउन एम्बेसडर बन सकते हो, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। अगर वो जब राष्ट्रपति बनते समय कितना चैलेंजेस आया होगा आप सोच सकते हो, तो आपको भी चैलेंजेस आएगा, आपके अंदर सहनशीलता होना चाहिए, चैलेंजेस आएगा जीवन में। लेकिन आपको ये सोचना है कि जब आज मैं क्या कर रहा हूँ, कितना तकलीफ उठा रहा हूँ, कितना चैलेंजेस झेलना पड़ता है, कितना मुश्किल है, कितना क्या खो रहा हूँ, ये मायने नहीं रखता। आप क्या पाने के लिए ये सब कर रहे हो, ये मतलब जिस दिन वो चीज आपको मिल जाएगा, जिंदगी जीने का मजा ही कुछ अलग आएगा।
मान के चलो आप सोचो, जिसके पास घर नहीं है, आप देखो एक अच्छा घर बना लो कितना आनंद आएगा। जिसके पास कार नहीं है, एक अच्छा कार हो जाए, क्या वो कार में जब आप चलोगे ना तो आपका धूल, आज अभी देखो हमारे शर्ट में धूल नहीं लगता है, पसीना नहीं होता है, ठंडी नहीं लगता है, ठंडी में हीट और गर्मी में एसी, तो मजा आता। अब ये आनंद हमको आ रहा है ना, तो कल हमने सोचा नहीं था कि ये सारा चीज हुआ, सिर्फ हमने विजुलाइज सक्सेस किया था। तो आज आपके पास ये सब नहीं होगा, बट आपको बहुत सारे लोगों के पास होगा, कार भी होगा, ऐसा बात नहीं है, बट उससे और भी बढ़िया कार कैसे हो, क्योंकि मेरा टारगेट है कि जो मैं कार खरीदा हूँ, ये कार से आने वाले दिन में और भी बेहतर कार खरीदूँ, जो मैं घर बनाया हूँ इससे और भी बेहतर घर कैसे बनाऊँ, क्योंकि सिर्फ मेरा माइंडसेट ग्रोथ ग्रोथ के ऊपर फोकस है। और ये ग्रोथ होने के लिए तो जगह होना चाहिए, हमको पूरा भरोसा हो चुका है डीएक्शन वो बहुत बड़ा माध्यम है आपके जीवन में जो ग्रोथ कर सकते हो। तो हर किसी को एक रास्ता होना चाहिए जो ग्रोथ करने के लिए। तो आप जितने भी हम सब डीएक्शन के अंदर है, डीएक्शन हमारे लिए बहुत ही एक बढ़िया रास्ता, बहुत ही बढ़िया माध्यम है जो अपने जीवन में ग्रोथ कर सकते हैं अपने जीवन में। तो सिर्फ माइंडसेट को क्या करना है, छोटा सोच नहीं बना के, छोटा सोच पाव का मोच आगे बढ़ने नहीं देता। देखो हमेशा गरीब सोच कभी अमीर नहीं बनाने वाला है। तो इससे ये जो है बराक ओबामा, इससे हमको ये सीख लेना है कि अगर आज वो अपने जीवन में जो होने वाला इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया, तो डी एक्शन में अगर जो होने वाला नहीं तो वो भी करके दिखाया। तो आज अगर आप डी एक्शन से जुड़े हो तो लोग तो क्रोन एम्बेसडर बन चुके हैं। वो प्रधान मतलब राष्ट्रपति तो सिर्फ एक ही बन सकता है यहाँ पे, तो ये तो नहीं कि एक ही बन सकता है एम्बेसडर, दुनिया का हर आदमी बन सकता है। और यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम है, तो वहां से कितना आसान जगह तो डी एक्शन है ना, यहाँ पे तो हर आदमी बन सकता है ना, ये मायने रखता है। तो क्या होना चाहिए ये हमको सीखना है, इसकी वजह से हम देख सकते हैं। देखो तो यहाँ पे लिखा है, इंसान जितना बड़ा सोच सकता है उतना बड़ा कर सकता है। सोचो ये चीज सोचो, आज हम देख सकते हैं ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में, जैसे आज ये बल्ब बनाने वाला, जब वो अगर सोचा होता ये मतलब कैसे बनाया, 9999 बार मतलब फेल होने के बाद, उसके बाद ये नहीं लगा उसको कि मैं फेल हुआ इतना बार, उसको ये लगा कि मैंने ट्राई किया, ऐसे नहीं जला लाइट तो मैंने दूसरा तरीका अपनाया, दूसरा तरीका अपनाया। इसके मतलब ये होता है, इससे हमको ये सीख लेना चाहिए कि अगर आप कोई काम करते हो, एक बार अगर नहीं हुआ तो दिल छोटा नहीं करना है कि हम असफल हो गए, है ना। और कुछ लोग क्या होता है गोली बदल लेते हैं, दूसरा जगह हम तो डिसीजन नहीं, दूसरा काम करेंगे। मैं क्या बोलता हूँ आपको, डोंट चेंज योर गोल, चेंज योर स्ट्रेटजी। काम करने मतलब आपका गोल मत बदलो, लक्ष्य मत बदलो, काम करने का सिर्फ तरीका बदलो। तो दिमाग में एक ही चीज अगर आपका है कि सिर्फ जीवन में ग्रोथ चाहिए, जीवन में ग्रोथ चाहिए, आज मैं ग्रोथ के ऊपर ही बात कर रहा हूँ, ग्रोथ चाहिए, तो आप अगर आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है डीएक्शन में, तो आपको तरीका को बदलना है, तरीका को बदलना है। क्योंकि अगर आज देखा जाए दुनिया का जितना भी सफल लोग हैं, कोई अलग काम नहीं किया, सिर्फ अलग तरीका अलग था। मतलब दुनिया का जितना भी सक्सेसफुल लोग हैं वो कोई अलग काम नहीं किया, सिर्फ क्या किया, अलग तरीका से काम किया। तो आप समझ सकते हो, तो ये सारा चीज, तो जब आज इंसान जो सोचा होगा एक दिन हम दुनिया को हवा में उड़ाएंगे, क्या होगा, दुनिया दुनिया को हवा में उड़ाएंगे, आप बताओ वो इंसान जब सोचा होगा दुनिया को हवा में उड़ाएंगे, ये पॉसिबल था प्लेन उड़ना आज। अब लोग, अरे लोग सोचेंगे अरे खुद नहीं हवा में उड़ सकता, दुनिया को हवा में उड़ाएगा, लोग तो मजाक भी उड़ाए होंगे उस टाइम। लेकिन आज देखो उन्होंने कर दिखाया, राइट ब्रदर्स, आप जब गल्फ के अंदर गए तो पैदल चल के तो नहीं गए ना, हवा में उड़ के प्लेन पे गए ना, तो इम्पॉसिबल था बट पॉसिबल करके दिखाए। तो आपका माइंड सेट कितना ग्रोथ, ये ग्रोथ के ऊपर सोचना है, आपका माइंड सेट क्या है ये आपको तय करना होगा। तो देखो एक इंसान के पास, हर इंसान के पास एक क्षमता होता है, भगवान गॉड गिफ्टेड होता है, कुछ ना कुछ खूबियां होता है, और वो खूबी लेके आप अपने क्षेत्र के अंदर विजय पा सकते हो, आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन सकते हो। तो ये सारा मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये सारा उदाहरण दे रहा हूँ, सिर्फ यही उदाहरण है कि आप डिरेक्शन में ग्रोथ करना है, आप डिरेक्शन में कैसे ग्रोथ करना है ये, क्योंकि मैंने 6 साल के अंदर किस तरीके से मैंने ग्रोथ किया, ये सारा चीज के ऊपर हमको अनुभव आ रहा, हमको एक्सपीरियंस आ रहा, इसलिए मैंने आज इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। तो अब आज से आपको छोटा सोच नहीं रखना है, क्योंकि डीएक्शन एक इंटरनेशनल बिजनेस है। आज डीएक्शन के जरिए हमने लोगों को देखा है कि कैसे कैसे लोगों का जिंदगी बदल रहा है। और डीएक्शन में सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ लेबर आदमी आते हैं और ये प्रोफेशनल प्रोफेशनल आदमी आके बिजनेस करते हैं। आज फातिमा घानी को देख लो, जो अच्छा सैलरी कमाने वाला आदमी भी डीएक्शन को च्वाइस किया,
ठीक है, आज बसोपालिया को देख लो, है ना, बॉस दुनिया में कितने लोग हैं, हर प्रकार का लोग आज इस बिजनेस में शामिल है। आप सोच सकते हो अगर आने वाले दिन में हर आदमी जो है, आज जैसे लोग नौकरी खोजते हैं, कल को इस बिजनेस को खोजेंगे कौन बढ़िया स्पॉन्सर है, क्योंकि आज जिस तरीके से तेजी से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का आज ग्रोथ होते जा रहा है, वो सोचो एक कंट्री के अंदर, मेरा नेपाल में 3 करोड़ जनसंख्या को गवर्नमेंट 3 करोड़ नौकरी नहीं दे सकता, इंडिया में 135 करोड़ को गवर्नमेंट जागीर नहीं दे सकता, तो सब कहाँ जाएंगे। लेकिन एक ही कंपनी हो सकता है सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जो हर किसी को वेलकम है, हर किसी को स्वागत है। तो आने वाले दिन में लोग अच्छा स्पॉन्सर कौन है, अच्छा लीडर कौन है, उसके साथ आएंगे। तो आज आपके पास बहुत बड़ा मौका है कि आने वाले 5 साल 10 साल में बहुत बड़ा ग्रोथ कर सकते हो, अपने आप को बहुत बड़ा ग्रोथ कर सकते हो, ताकि लोग आपको ढूंढ के आएंगे और उस टाइम सफलता पे सफलता मिलने वाला है। तो ये सारा ये फोटो आपको ये दिखा रहा है कि डिक्शन भी इम्पॉसिबल नहीं है, लोगों को मुश्किल लगता है, डायमंड बनना मुश्किल लगता है, डबल डायमंड बनना मुश्किल लगता है, क्राउन मास्टर बनना मुश्किल लगता है, आज लाइट बनाना मुश्किल नहीं था, प्लेन उड़ाना मुश्किल नहीं था, प्लेन बनाना इंसान सीख के तो हवाई जहाज भी उड़ाता है माय डियर फ्रेंड्स। तो इस बिजनेस को अगर आपको पता नहीं है तो सीख के क्राउन एम्बेसडर बना जा सकता है, सिर्फ माइंडसेट को ग्रोथ करना है। सीख के आज आपके पास नॉलेज नहीं है कोई प्रॉब्लम, क्योंकि पैदा होते ही कोई नॉलेज वाला नहीं बन जाता है, धरती पे आके सीखा जा सकता है। तो आपको इस बिजनेस अगर ग्रोथ करने का पता नहीं है तो इस बिजनेस में आप ग्रोथ कर सकते हो, कैसे किया जाता है आप अपलाइन से सीख सकते हो, मीटिंग ट्रेनिंग से सीख सकते हो, तो ये सारा चीज होता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे माय जर्नी। अब आप देख सकते हो, अब ये इंसान आप देखो, ये जो इंसान था, मेरा पिक्चर देख सकते हो कि मैं कैसा आदमी, थोड़ा सा मैं पानी पीता हूं, आप मेरा फोटो को अच्छे से देख लो। उस टाइम बच्चा था और सपना तो था बड़ा, बट कोई बिलीव नहीं करता था। मैं जब डिक्शन 19 साल का मैंने उम्र में डिक्शन शुरू किया था, कोई बोलते था मेरा आगे का बच्चा तू हमको सिखाएगा, बड़ा बड़ा बात करता, 1 लाख कमाएगा, 2 लाख कमाएगा, घर में देखेंगे। हाँ, और कुछ लोग तो बोलते थे, अरे भाई, गांव का लोग कुछ लोग जलते थे, अरे भाई मत उसको सिखाओ, बर्बाद होने दो, बर्बाद हो रहा है, बर्बाद होने दो। हमारा गांव का एक दोस्त था, नाम नहीं लूंगा, वो बैंक में काम करता था, थोड़ा सैलरी 6,000 रियाल था। उस टाइम मैंने उनको डिक्शन के बारे में बताने गया, मेरे साथ बोलता था, बाबू तुम हमको ही बता, ये सब हमको साबुन बेचने हमको आया, अरे कहीं और बेचो, और ये सब हमारे लायक काम नहीं, तुम्हारे लायक। दिल में इतना दुख लगा कि सोचो मत, लेकिन आज देखो खुशी लगता है। और वो जुनून, वो हमको इस तरीके से बोला और वहां पे हमको जुनून आया। मैंने सोचा इंसान देखो औकात देखता है इस दुनिया के अंदर, औकात देखता, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, औकात देखता। अगर वो आज मेरा हमको किस नजर से देखा, आज देखो, आज थैंक्स गॉड मैं बोलता हूँ, थैंक्स करता हूँ भगवान को कि आज जितने सारे लोग मजाक उड़ाए थे उनसे कई गुना आज बेस्ट लाइफ, मैं ईगो के साथ नहीं बोलता हूँ, उनसे कई गुना बेस्ट लाइफ। अगर आज पूरी गांव का बात किया जाए, थैंक्स गॉड जो पूरी गांव में सबसे ज्यादा अगर आय स्रोत किसी का है तो सिर्फ सरोज कुमार नेटवर्क है, तो पूरी गांव का बात किया जाए माय डियर फ्रेंड्स, तो बोलते ना आप किस जगह पे हो ऐसा इंसान बनो, सबसे बेस्ट इंसान बन सको, किस एरिया में बनो सबसे बढ़िया इंसान बनो। तो आप देख सकते हो ये मेरा नौकरी वाला लाइफ स्टाइल था, मैंने डिक्शन शुरू किया था, देख सकते हो ये मैं मतलब स्टारजन लेवल तक नहीं था उस टाइम, कुछ 2-3 महीना हुआ था उस टाइम, मैंने महात्मा गांधी सर का प्रोग्राम लिया था उस टाइम, और बहुत ही अच्छा लगा था वहां पे। तो मैंने देखा हर प्रकार के लोग इस बिजनेस में, तो 2014-25 अप्रैल को मैंने डिक्शन शुरू किया था और मेरे स्पॉन्सर हमको वही एक ही वर्ड बोले थे वहां पे, आपका नया जिंदगी का शुरुआत है, लेकिन उस टाइम बिलीफ नहीं हुआ था। लेकिन ये देख सकते हो मेरा घर है, और जब ये घर था और मैं कतार में था तो लोगों को जो मैं बताता था तो मेरा बैकग्राउंड लोगों को पता था, लोग बिलीव नहीं करते थे कि बोलते अरे तू ऐसा समय लगा, लोग बिलीव नहीं करते, मजाक उड़ा देते, लेकिन बहुत तकलीफ लगता, लेकिन हमको जुनून आता था कि आज लोग हमको पागल बोलते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मेरा सोच कितना बड़ा है और मैं किस कंपनी के अंदर हूँ, किस जगह में हूँ, ये कंपनी लोगों के जीवन में कितना बड़ा चेंजेस ला सकता है, लोगों को पता नहीं था, इसलिए लोग कितना भी मजाक उड़ाए हमको एनर्जी आता था। सोचो तो मेरा सोच छोटा नहीं था, मेरा सोच बड़ा था, और इसीलिए हमको एक अवसर का तलाश था और हमको डिक्शन मिला, तो बोलते
छलांग अवसर मिलते ही छलांग लगाया, तो सिर्फ हमने कुछ किया नहीं, एक अवसर मिला और हमने छलांग लगाया, तो अपॉर्चुनिटी। तो सोचो, तो आज आप डिक्स में आप भी हैं। अगर मेरे जीवन में इस तरीके से देखो, ये मेरा बिल्डिंग है, आप देख सकते हो ये बड़ा मेरा बिल्डिंग, ये जो मेरा घर है, और ये मैं जब डायमंड होके छुट्टी आया था तो भी मेरा घर ऐसा था, मैं डायमंड होके छुट्टी आया था तब का फोटो। इस टाइम जो ये मेरा फोटो खींचा हूँ, उस टाइम मैं डायमंड था, उस टाइम मेरा इनकम 1 लाख था, और जब मैं कतार के अंदर गया, कंपनी के अंदर 1.5 महीना रुका, कंपनी बोला तुमको नौकरी नहीं देंगे, मतलब ड्यूटी नहीं देंगे। वो सोचा होगा कि इसके पास पैसा नहीं है और ड्यूटी नहीं देंगे तो मतलब ये घर कैसे जाए, बोला तुम 1.5 महीना रख के, बोला टिकट लेके आओ, घर बेचता हूँ। मैं उसको बोला कि मेरे पास तो उस टाइम बोनस भी आया था 1 लाख, तो 4,000 रियाल मेरा बोनस था, तो उसको लगा कि 1.5 महीने में कहाँ से खाया, कहाँ से पैसा तेरेगा, और घर नहीं जा सकता, इसको मुश्किल होगा। तो कंपनी का सोच ऐसा था, बट हमने क्या, उसको पैसा तो मेरे पास था, मैंने सोचा 2-3 दिन किसी दोस्त से उधार मांग के लेके आऊंगा, लेकिन पैसा मेरे पास था। मैं 3 दिन बाद टिकट काटा और घर आया। घर आने के बाद सोचो, दुनिया में ऐसा कभी कंपनी नहीं देखा था, जब मैंने घर आया सीधा 1 लाख से मेरा इनकम 1.5 लाख उसी महीने में आया। 10 दिन के बाद मेरा इनकम 1.5 लाख आया। हमको बहुत ही खुशी हुआ कि एक दिन सुनता था नेपाल जाने के बाद पैसा आएगा, वाओ आज तो सरप्राइज है कि जो पैसा आ रहा है। और जब मैं डिक्शन करता था मेरा मम्मी पापा को, मेरा वो बोलते जुआ खेला ये सब मत कर, बर्बाद हो जाएगा। और जब मैं पहली बार घर में गया था, जब घर में 1 लाख बोनस निकाल के लेके आया, तो वही पैसा मेरे दादाजी को दिया, बोला कितना है, फिर उनसे दिया मेरे पापा जी को दिया, बोला कितना है, फिर वही पैसा लेके मेरे माँ को दिया, बोला कितना है, बोलता सब बोलते तीनों आदमी गिनती किया, बोलता 1 लाख है। मैं बोला देखो आज यही मेरा कमाई है जो डिक्शन के जरिए, इसलिए आप बिलीव करो, आज मेरे पास घर नहीं कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन वो टाइम आएगा कि गांव में सबसे अच्छा घर बनाऊंगा, आज गांव में सबसे अच्छा घर मेरा है। पूरे गांव में बात किया जाए तो नया घर मेरा है, सबसे बढ़िया जो है घर मैंने बनाया। तो इस तरीके से था, तो सोचो मैंने कभी सोचा नहीं। तो डिक्शन ने हम नेपाल कंपनी ने हमको टर्मिनेट किया, बहुत लोगों को टर्मिनेट कर दें, अगर एक सुपरवाइजर है बेचारा, एक इंजीनियर बेचारे को टर्मिनेट हो जाए कितना मुश्किल होगा, क्योंकि 4-5 हजार सैलरी था, नहीं आएगा, बट हमको कंपनी टर्मिनेट किया। और घर में जाने के बाद हमको 1-50 हजार सीधा इनकम बढ़ा, हमको बहुत खुशी लगा, सोचो बहुत खुशी। 2017 का बात है, और वही 2017 मैंने फिर 21 दिन के अंदर क्या किया, तैयारी करके फिर कतार में आया 21 दिन के अंदर, और मेरा जब 5300 रियाल हुआ, 4000 से 5300 रियाल हुआ, और जब मैं कतार आया कि 10 दिन मैंने डिक्शन के अंदर काम किया, 5300 से मेरा नेक्स्ट महीना 10 दिन काम करने के बाद फिर बोनस मेरा कितना हो गया, 6500 रियाल हुआ, और मैं डायमंड का बोनस हाईएस्ट बोनस 5300 रियाल उठाया हूँ। मैं डायमंड लेवल तक था तो मेरा बोनस 5300 तक था, सोचो आप समझ सकते हो आज मेरा बोनस कितना, मैं भी इस तस्वीर में दिखाऊंगा। इस तरीके से मैंने डिक्शन को स्टार्ट किया। तो ये मैं क्यों सुना रहा हूँ, आप सोचो कई लोगों को आज अगर जो मेरे से परिस्थिति की बात किया जाए तो आज मेरे से बेहतर होगा, तो खुश नहीं होना है माय डियर फ्रेंड। अगर आपके पास सब कुछ अच्छा है बट और अच्छा कैसे किया जाए उसके बारे में आपको प्लान करना है, यानी कि मेरे पास तो इससे अच्छा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ठहरा हुआ पानी रुका हुआ इंसान दोनों सड़ जाता है। अगर एक रुका हुआ इंसान है, मेरे पास सब कुछ है, खुशी है ना, एक दिन पक्का गरीब होने वाला है, लेकिन अगर ग्रोथ माइंडसेट है, अगर अच्छा है तो उसको और अच्छा किया जाए और अच्छा किया जाए, वो आदमी कभी प्रॉब्लम नहीं, वो हमेशा आगे बढ़ता जाएगा। तो ये सारा चीज, क्योंकि आज अच्छा बोनस है, मैं शांति नहीं फिर भी काम करता हूँ, इस तरीके से मेरा लाइफ स्टाइल। देखो जरूरत था, यहाँ पे नींद आएगा, ये तो भैंस बांधने का जगह जैसा, लेकिन मेरा घर था, वो मजबूरी था, एक दिन जिंदगी कट रहा था, आज ये मेरा घर है कंप्लीट। इसमें बहुत पैसा मैंने लगानी किया, मेरा पूरा 2-2.5 साल का बोनस इसमें मैंने लगानी किया। तो कल गांव में लोग बोलते थे तेरा लड़का कुछ नहीं कर सकता, और मैंने इस घर में रहता भी नहीं हूं, अभी मैं दूसरा घर पे हूँ, जो अभी प्रोग्राम कर रहा हूँ ये दूसरा जगह पे हूँ, मतलब यहाँ पे मैं अपना फैमिली सब लोग रहते हैं, सिर्फ इस घर में इतना बड़ा घर बनाया, सिर्फ इस घर में मेरा माँ मम्मी और मेरा पापा रहते हैं। ये क्यों बनाया इतना बड़ा घर दो लोगों के लिए, लोग बोलते थे तेरा लड़का कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में, तो बोलते थोड़ा सा जुनून आ जाता ना। अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि इतना पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए था वहां पे, अभी सोच रहा हूँ, लेकिन लगा था क्योंकि कुछ नहीं किया, तो मैंने इसलिए बनाया कि लोग को देखना चाहिए कि इसका लड़का जो काम किया पूरे गाँव में किसी का लड़का काम नहीं किया, इसीलिए मैंने इतना बड़ा काम ये बनाया। तो ये मेरा घर, तो सोचो 700 रियाल कमा के
नौ फैमिली पालना, 20,000 नेपाली में। अब ये नौ फैमिली को खर्चा अच्छा से नहीं चलता था तो घर कहाँ से बन सकता था माय डियर फ्रेंड्स, कभी जिंदगी में नहीं बनने वाला था। मेरा पापा 10 साल कमाए थे फिर भी नहीं बना था सऊदी मलेशिया मिला के, लेकिन मैंने सिर्फ 3 साल के अंदर मैंने ये काम किया। सोचो अभी इसके घर में, ये भी घर में काम चलता ही है, बहुत सारा काम बाकी है, सोचो ये सारा आप समझ सकते हो। तो हमने जिंदगी में नहीं सोचा, सिर्फ ये डिसीजन के जरिए कि आज इस लेवल तक पहुंचा। आप देख सकते हो ये मेरा अपना कार, जो साइकिल था, और कतार का मैं कोई दिन ऐसा नहीं था 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पैदल ना चल के मैं बिजनेस करूं। हर दिन 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर चल के मैं बिजनेस किया करता था, लेकिन आज देखो। तो कल आज नेपाल में आने के बाद एक बाइक अच्छा नहीं था सोचो, लेकिन आज कार है। लेकिन मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि मैं जल्दी कैसे एक कार और चेंज करूं ये कार पे। तो क्योंकि सिर्फ यही कार पे नहीं चलना, दूसरा कार लेने का मेरा प्लानिंग है, दूसरा घर बनाने का मेरा प्लानिंग, क्योंकि मैं कंफर्ट जोन पे नहीं रहना चाहता हूँ। मैं ये सोचता हूँ आज मेरे पास जो भी है इससे बेहतर और किया जाए। इसलिए आज मैं, आज जितना जोश जुनून पहले था ना मेरे पास, आज भी वही जोश जुनून के साथ मैं कंटिन्यू काम करते जा रहा हूँ। ये सारा चीज है, ये मेरा इनकम देख सकते हो, जो पिछले महीना का मेरा बोनस देख सकते हो। अभी नेपाल में हम लोगों का जो बोनस ट्रांसफर होता है तो 20 तारीख, अभी अकाउंट में शो नहीं करता है। ये तो अभी कतार में था पिछले महीना तक का बोनस। तो आप कतार में देख सकते हो कि मेरा कितना इनकम आया, 11,997 रियाल, मतलब 12,000 रियाल। कल को 700 रियाल कमाता था, 700 रियाल एक महीने के सैलरी था, 12 महीने के अंदर मेरा कितना सैलरी होता था, 8,400। 3 साल तक मेरा कितना पैसा हुआ, 25,200 रियाल। इसके मतलब 25,200 रियाल आप सोच सकते हो कि मैं कितने दिन में कमाता था, 36 महीने में। लेकिन जब मैं डिक्शन में आया, 3 साल तक मैंने मेरा स्टोरी घर में पैसा पटा नहीं सका। मेरा सिस्टर का शादी था वहां पे भी पैसा नहीं पटा पाया और फोन भी नहीं करता था। इस सिचुएशन से मैंने, क्योंकि हमको यही था कि आज मेरा फैमिली में प्रॉब्लम है, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला। अगर आज मेरा फैमिली में प्रॉब्लम है तो 1 साल और तकलीफ उठाऊंगा, 2 साल थोड़ा और तकलीफ रहेगा, 3 साल रहेगा, लेकिन जिंदगी में तकलीफ नहीं आना चाहिए। इसलिए ये जो दिल को कठोर बनाया और हमने तकलीफ उठाना शुरू किया, और घर वाले कितने प्रॉब्लम में थे हमको पता था कि बहुत रुलाया, बट हमको ये पता था वो दिन नहीं आना चाहिए, पूरा लाइफ जो बचा जिंदगी शांति जीना चाहिए। और काश अगर 1 साल कम खाया कतार के अंदर, 1 साल 2 साल 3 साल कम खाया, पैसा नहीं पटाया, सोचो कम सोया, तो ना तो मैं मरा ना तो मेरा फैमिली मिला। लेकिन आज तक वही 2-3 साल का मेहनत, पैसे से पैसे कमाए जाता हमको पता है, वही थोड़ा सा मेहनत, और जो मैंने डीएसएम का प्रोडक्ट यूज करने में पैसा खर्चा हुआ, टैक्सी भाड़े में लोगों से मिलने में पैसा खर्चा हुआ, तो जो आज 3 साल में मैं कमाता था, सोचो 3 साल में जो कमाता था 25,000 रियाल, आज 12 दुना 24, वो सिर्फ मेरा 2 महीने का सैलरी। दैट इज द पावर ऑफ डिडक्शन सिस्टम। तो आप समझ सकते हो कि ये इंसान क्या किया। तो आज मेरा लाइफ स्टाइल को नहीं देखना, मैंने क्या किया जिसकी वजह से मैं सफल हूं, आप वो चीज को कॉपी करना है अगर आपको कामयाब बनना है। तो मेरा माइंड सेट अगर छोटा होता, मैं डिडक्शन करूं कि घर में घर को पालू, तो मैं 19 साल था और मैंने सोचा ये 20 22 23 24 साल अगर हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो कोई प्रॉब्लम, लेकिन अगर सक्सेस बनने के बाद पूरा जिंदगी एंजॉय, तो ये आप 40 साल तक काम करते रहोगे कि 40 महीने के बाद फ्रीडम लाइफ, पूरा जिंदगी एंजॉय करोगे। ये जो स्टोरी लोग सुनाते थे ट्रेनिंग के अंदर, आज मेरे साथ वो घटना 100% हुआ। या तो 40 साल काम करो या 40 महीना मुश्किल चैलेंजेस उठा के डीएक्सएल में काम करके और पूरी जिंदगी को एंजॉय करो। आज मैं 25 साल का हूं, अगर जिंदा 50 साल रहूंगा 60 साल रहूंगा पूरा जिंदगी एंजॉय करूंगा। काश मैंने डिसीजन ना किया होता तो आज भी हमको कतर में काम करना पड़ता, क्योंकि आज भी वो कंपनी, और आज भी उसी कंपनी में अभी भी लोग हैं जो काम करते थे, हमको भी काम करना पड़ता। तो मैंने जो भी किया सही किया, तो मैं लक्की मानता हूँ कि मैंने डिसीजन गलत नहीं लिया था, मैंने निर्णय सही किया कि डिसीजन करना तो करना है, सफल बनना तो बनना है, कुछ भी करना पड़े, कुछ भी दांव पे लगाना पड़े, हम लगा के रहेंगे, आज उसका नतीजा मेरे साथ है। तो जो सोचो हर महीना इनकम बढ़ते जा रहा है, और इस साल के अंदर मेरा इनकम आप देखते जाओ कितना टर्नओवर, हर साल में मेरा, कोई ऐसा साल नहीं कि जो मेरा इनकम टर्नओवर ना हो, मेरा पोजीशन ना बढ़े, हर साल में मेरा टर्नओवर होता है। तो जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा। तो ये एक कहानी जो है बहुत ही बढ़िया कहानी है कि जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो हम हमेशा यही बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स,
कि आपको इतिहास रटो, रटो मत, इतिहास रचो। तो समझदार लोग इतिहास पढ़ते हैं और पागल लोग इतिहास रच के मर जाते हैं, समझदार लोग इतिहास पढ़ते रह जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इतिहास रटो मत, इतिहास रचो, ताकि आने वाला जनरेशन आपका इतिहास पढ़े। तो लोग बोलते हैं डीएसएम में क्या मिलता है, मैं बोलता हूं दो चीज मिलता है, नया जिंदगी का शुरुआत, मरने के बाद नाम अमर। अब नया जिंदगी का शुरुआत का लेबर आदमी आज बिजनेसमैन बना, अच्छा पैसा कमा रहा है, ये नया जिंदगी नहीं है। और इस दुनिया में मैं रहूं ना रहूं, फिर भी पूरी दुनिया के अंदर जिसने जिसने मेरा प्रेजेंटेशन सुना है, जिसने जिसने मेरा नाम जानता है, और मेरा 47 कंट्री में मेरा अपना टीम है, कम से कम उनको लगेगा सरोज कुमार नटुआ कोई था, एहसास तो रहेगा उनको, नाम अमर रहेगा, गर्व लगता है हमको डीएसए के ऊपर कि ऐसा कंपनी हमको मिला है। आप लक्की हो कि आपको ये कंपनी मिला है, आप भी लकी है कि आपको डिएक्शन मिला है। आज आपको कोई कुछ भी बोले, आप टेंशन मत लो, जुनून आना चाहिए, एक दिन इसके सामने सफल बन के दिखाएंगे। और आपको ये कंफर्ट जोन में भी नहीं है, मेरे पास 2 तल्ला घर है, 3 तल्ला बिल्डिंग है, मेरे पास गाड़ी है, सब कुछ है, मैं क्यों करूं डिएक्शन, सिर्फ गरीब लोगों, ऐसा कुछ नहीं है। मोहम्मद फातिमा खानी के पास 25,000 सैलरी था, रत्ना बसुपाल के पास 39 रूम का मतलब अपना हॉस्पिटल था। ऐसे ऐसे लोग इस बिजनेस में आए क्योंकि फ्यूचर देख। फाइनेंशियल फ्रीडम है, टाइम फ्रीडम है। बाहर फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता है बट टाइम फ्रीडम नहीं हो सकता, डीएसएम के अंदर टाइम फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम माने आर्थिक आजादी और टाइम फ्रीडम माने समय का आजादी। आज मैं समय के अंदर, मैंने समय मेरे अंदर के अंदर है, और काफी लोग इसके जरिए आए, कुछ लोग हेल्थ की वजह से आए, तो बहुत सारा है जरिया। तो डीएसएम एक पूरी दुनिया है जो आपको जो चाहिए वो मिल सकता है, ग्रोथ पे ग्रोथ कर सकते हो। तो ये सारा चीज है, तो इससे आप सीख सकते हो, तो आप भी देख सकते हो। एक आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए, आप भी एक लक्ष्य बनाओ और निर्णय करो कि जिंदगी में क्या करना है, धरती का बोझ बन के मत मरो। होते हैं ना संग, मतलब एक कहानी है, मैं नेपाली में बोलूंगा उस वर्ड को, संघर्ष बिना को जीवन सही ना, लक्ष्य बिना को मानी सही ना, धरती का बोझ मतलब संघर्ष जो नहीं करता है उसका क्या जिंदगी है, क्या अर्थ है इस धरती पे। अगर वो जिंदगी में उसका कोई लक्ष्य नहीं है तो इस धरती पे जीने मरने से कोई फर्क नहीं है, एक बंदर के जैसा है। बुरा मत मानना, मैं माफी चाहता हूँ, ये रियलिटी है, कमिटमेंट होना। तो आप आज से कमिटमेंट करो, और पहला कमिटमेंट होना चाहिए अगर जिंदगी में, अगर आप डिसन से अपना जीवन में सपना पूरा करना चाहते हो, तो आपका कम से कम 300 PB का टारगेट होना चाहिए। अगर आप 300 PB का टारगेट पूरा कर लो ना, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, और जो बड़ा बड़ा टारगेट सारा पूरा कर लोगे अगर ये टारगेट पूरा कर लो तो। और जिसको क्राउन एम्बेसडर बनना है, जिसको बहुत बड़ा मैक्सिमम लेवल तक पहुंचना है, उसके लिए 300 बड़ी बात नहीं। मैं ये नहीं बोलता सब लोग 300 PB करो, मैं ये नहीं बोलता हूँ, बट जिनको जिंदगी में बड़ा करना है उनके लिए 300 PB जरूरत है, जो एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहता है। क्योंकि थोड़ा सा हाई रिस्क हाई कैपिटल, नो रिस्क नो कैपिटल, जो जितना बड़ा रिस्क ले सकता है उतना बड़ा बन सकता है, 300 PB नहीं कर सकते। 300 PB लेने का मतलब बहुत बड़ा अर्थ है, आप खुद का प्रोडक्ट यूज करना है और कस्टमर बना सकते हो, लोगों को हेल्थ मिलेगा, तो डिएक्शन करे ना करे वो जिंदगी भर प्रोडक्ट यूज करेगा, क्योंकि प्रोडक्ट से बेनिफिट मिला है। अगर आप ये सारा, और आपको स्टारजन बनने से क्राउन एम्बेसडर तक का होना चाहिए, फिर आप फ्रीडम लाइफ का कमिटमेंट कर सकते हो, इंटरनेशनल टूर का कमिटमेंट कर सकते हो, दूसरे को अगर आपके पास पैसा है तो हम दान करेंगे, पैसा कमाएंगे, गाड़ी खरीदने का, हाउस का, आपका बच्चे का एजुकेशन, ये सारा चीज जो है आप कमिटमेंट, और बहुत सारा चीज आप क्या है आप कमिटमेंट कर सकते हो, सारा चीज आपका लिख सकते हो आप डायरी में, ये सारा चीज, वो सारा चीज पूरा करने के लिए आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए, जिम्मेवारी भी होना चाहिए, ये सारा चीज होना चाहिए। और आप डिसीजन के अंदर हो तो अगर सपना आपका है पूरा आपको करना है तो जिम्मेवारी आपका भी होना चाहिए। अपलाइन आपको सपना पूरा, अपलाइन आपको डीएक्सएल में लेके आए, ये बहुत बड़ी बात है। अपलाइन आपको बहुत कुछ ज्ञान दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है आपको डीएक्सएल में आगे बढ़ने से, कैसे आगे बढ़ा जाए सारा चीज सिखा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो जिम्मेवारी आपको होना चाहिए अगर आपको आगे बढ़ना है तो हार्ड वर्क, अब वो जो चीज है उसके लिए हार्ड वर्क करना है। तो ये अब हार्ड वर्क, ये स्मार्ट वर्क होता, तो हम अंतिम अंतिम में आ गए और हमारा प्रेजेंटेशन अभी खत्म होने वाला, अंतिम अंतिम में एक दो स्लाइड बाद खत्म होने वाला है। तो आपको ये सोचना है हार्ड वर्क मींस ये होता है आपको, अब ये नहीं कि हार्ड वर्क मींस शरीर से बहुत मेहनत करके हम रिएक्शन कर, मतलब दो प्रकार का, एक स्मार्ट वर्क होता है हार्ड वर्क, तो स्मार्ट वर्क करना है, नहीं तो अगर खाली मेहनत से अगर इंसान सफल बनता तो जो रिक्शा चलाता वो गरीब है, जो ईंट उठाता है ताबूक उठाता गरीब है, जो सीमेंट उठाता वो गरीब है। तो
शरीर से मेहनत करने वाला इंसान कभी सक्सेसफुल नहीं बनता, कभी ग्रोथ नहीं कर सकता। दो पार्ट होता शरीर का, एक ये पार्ट ऊपर का और एक नीचे का पार्ट, लेकिन जो दिल और दिमाग को चलाया इतिहास वही रचा है। तो क्या करना है, दिल और दिमाग के चलाना है। देख सकते हो, डोंट वर्क हार्ड, वर्क इंटेलिजेंट। अब आप देखो, दो आदमी है, एक भैंस है, एक खींचता है और पीछे से एक पीटता है, एक खींचता है एक पीटता है, भैंस आगे जाती नहीं, दोनों आदमी परेशान हो गया, दोनों आदमी थक गया, लेकिन भैंस आगे नहीं बढ़ती है। देखो वो क्या किया, दोनों का, अब ये नीचे वाला देखो, नीचे क्या किया, एक भैंस है, अकेला आदमी है, उसके ऊपर बैठा है, एक डंडे के ऊपर क्या किया, डंडे में घास बांध के और उसके आगे किया, उसके आगे उसका आगे रख के, और वो घास भैंस क्या की, खाने के लालच में वो आगे चलते जा रही, आगे चलते जा रही, आगे चलते जा रही। अब वो आगे चलते जा रही और वो क्या किया, अपना मंजिल तक पहुंच चुका। अब सोच सकते हो, ये तस्वीर एक ही है, काम एक ही है, तरीका फर्क है। तस्वीर एक है, देखो भैंस वो, भैंस वो, ये भी काम किया, वो भी काम किया, सिर्फ काम करने। तो सफल लोग कोई अलग काम नहीं किया, तरीका अलग होता है। तो ये वो आदमी शरीर से मेहनत किया, ये आदमी दिमाग से और दिल से मेहनत किया, दिल और दिमाग लगाया, जिसकी वजह से ये सफल होते। तो मेहनत बहुत करके सफल नहीं बन सकते, ये तस्वीर से आप सीख सकते हो। तो ये आपको क्या चलाना है, दिल और दिमाग चलाना है। तो ये ऊपर का हिस्सा आप चलाओगे तो आप आगे बढ़ सकते हो, ये सारा चीज होना चाहिए। और आपके अंदर डेवलप अ गुड हैबिट होना चाहिए, अगर जिंदगी में आपको ग्रोथ चाहिए, सक्सेसफुल इंसान बनना है, तो गुड हैबिट होना चाहिए। और आप अगर आपको गुड हैबिट के लिए, अगर आपको 2 लाख रुपया चाहिए तो 2 लाख वाला नॉलेज होना चाहिए, 10 लाख चाहिए तो 10 लाख नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको डायमंड बनना है, डबल डायमंड, त्रिपल डायमंड, जो लेवल क्राउन एम्बेसडर बनना है, वो हैबिट आपको, वो हैबिट होना चाहिए, वो नॉलेज होना चाहिए। तो इंसान अपना वैल्यू जितना बढ़ा सकता है उस लेवल तक पहुंच सकता है। तो पहले आपको क्राउन एम्बेसडर बन नहीं सकते, बट आप क्राउन एम्बेसडर का ज्ञान अपने अंदर क्रिएट कर सकते हो, तो क्राउन एम्बेसडर आप बन सकते हो। तो गुड हैबिट मींस ये होता है, बुरी आदतों को हम छोड़ें। देखो टीवी देखना बहुत लोगों को टाइम पास, फेसबुक पे टाइम पास होता है, और मीटिंग ज्वाइन नहीं करते। तो आपको, अगर आप डिक्शन के अंदर हो तो आपका आदत होना चाहिए डिक्शन का वीडियो देखना, डिक्शन का मीटिंग लेना, डिक्शन का ऑफलाइन के साथ बात करना, डिक्शन का प्रोडक्ट को यूज करना, मतलब डिक्शन के साथ सब कुछ हमको गोल में लाना चाहिए। हर दिन बुक पढ़ना, हर दिन नया नया अपने आप को, नए नए तरीका, जो नए नए नॉलेज आता है इस दुनिया के अंदर, खुद को अपडेट करते रहना खुद को। अगर आप खुद को अपडेट नहीं करोगे ना तो आप आगे, अगर आप डायमंड हो तो वहीं पे रह जाओगे, डायमंड से ऊपर नहीं जाओगे। अगर खुद को अपडेट नहीं करोगे डबल डायमंड के लिए, त्रिपल, एक डबल डायमंड का नॉलेज देख लो, एक त्रिपल डायमंड का नॉलेज देख लो, एक क्राउन एम्बेसडर का नॉलेज देख लो, उसका नॉलेज क्या है। तो पहले क्राउन एम्बेसडर बना नहीं था, लेकिन पहले वो अपने अंदर वो नॉलेज को क्रिएट किया था। तो वो नॉलेज क्रिएट करने के लिए वो अपने अंदर ऐसा एक हैबिट डेवलप किया, जिसके वजह से वो उस नॉलेज तक पहुंचा, और उस नॉलेज जो है वो नॉलेज उसको उस सफल बनाया, क्या बनाया, उसको सफल बनाया। तो यही सारा चीज है। तो ये मेरा अंतिम है, मैं आपको इतना ही कह के आज जो है, तो आपको लास्ट यही बताना चाहता हूँ कि दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, हर चीज पॉसिबल है, खुद पे भरोसा रखो, और हमेशा दिमाग को ग्रोथ रखना है, हमेशा जो है हम लोगों को दिमाग को ग्रोथ रखना, हमेशा हम लोगों को छोटा सोच कभी भी नहीं सोचना है। और आज का जो मेरा प्रेजेंटेशन है, यहीं पे आप लोगों के साथ में विदा होंगे। तो सरोज कुमार नटू अगर इस तरीके से आगे बढ़ सकता है, छोटा फैमिली से था, आज मेरे पास सब कुछ बेहतर है, और मतलब पहले जो था उससे बहुत ही बेहतर है, तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था, आज मैं ये सब चीज मैंने पाया। तो ये सब मैं सब डिएक्शन डॉक्टर लिम आज ऐसे सिस्टम बनाया, और आज जो जो हमको सपोर्ट किया, चाहे मिडिल ईस्ट मैनेजमेंट हो, कतर मैनेजमेंट हो, हमारे स्पॉन्सर, हमारे बिजनेस पार्टनर, मैं सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप सब कर सकते हो, आप सबके पास बहुत पावर, आप सब टैलेंट हो, और आप सब जो है मेरे से भी आगे जा सकते हो, क्राउन एम्बेसडर तक पहुंच सकते हो, सारा सपना पूरा कर सकते हो, और डिएक्शन के जरिए पूरी जिंदगी को एंजॉय कर सकते हो। बस आप कंटिन्यू कोशिश तो करके देखो, 3 से 5 साल करके तो देखो, विश्वास दिलाता हूँ आपका जीवन बहुत बड़ा बनने वाला है। तो थैंक यू सो मच भवन जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच मिस्टर सरोज कुमार नटवा फॉर द वंडरफुल प्रोग्राम यू हैव गिवन। आपने इतना अच्छा तरीके से अपना खुद का जो लाइफ एक्सपीरियंस आपने शेयर किया है, अगर इसके बाद भी अगर कोई आंग नहीं खोल के डिएक्शन को नहीं देखा है, उनके लिए नहीं है डिएक्शन,
क्योंकि अपना रियल एक्सपीरियंस, आपका जो घर, आपका गाड़ी, आप किधर से किधर पहुंच गया, 700 रियाल से 12,000 दरम में आप पहुंच गया। इट इज अ ग्रेट अचीवमेंट विद इन शॉर्ट पीरियड। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू टू रीच क्राउन एम्बेसडर फास्ट, ऑल द थैंक्स। बेस्ट। थैंक यू सो मच ऑल मेंबर्स एंड लीडर्स। एनीथिंग टू बी एडेड, और कुछ बात करना है आपको? नहीं सर। ओके, थैंक यू सो मच।